हेलो स्टूडेंट, आज हम सब लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम सब लोगों ने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है हम सब लोगों का सीड। तो देखते हैं कि सीड होता क्या है। सीड हिंदी में इसको कहा जाता है बीज। तो जो सीड होता है, ये जो पुष्पीय पौधे होते हैं या जो आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं, उनके ये प्रोजनी होते हैं, मीन संतान होते हैं। बीज से ही नए पौधों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो बीज होता है, ये कैसे बनता है? तो आप देख रहे हो, कल हमने बताया था कि पोवरी जो होती है, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये ओव्यूल्स जो है, निषेचन क्रिया के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्रिया के बाद ये जो ओव्यूल्स होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है सीड में। किसमें बदल जाती है? सीड में बदल जाती है। और सीड क्या है? प्रोजेनी ऑफ प्लांट, प्रोजेनी ऑफ प्लांट, ये पौधों का जो है संतान होता है। इसी से जो है नए पौधे का निर्माण होता है। और बहुत सारे जो सीड होते हैं, जिसका यूज हम सब लोग जो है खाने के रूप में करते हैं। बहुत सारे जो बीज होते हैं, उनका यूज हम सब लोग किसमें करते हैं? खाने के रूप में करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जो बीज होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट्स आप कह सकते हो, पार्ट्स ऑफ सीड, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीड कोट होता है, दूसरा होता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो एम्ब्रायो है। क्या है? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो है रेडिकल। क्या आता है? रेडिकल आता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस आता है। क्या आएगा? या ऐसे कह सकते हो, जो एम्ब्रायो होता है, इसके एक एम्ब्रायो एक्सिस होता है और एक होता है एंडोस्पर्म। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और एक पार्ट भी कह सकते हो, टेगलम कह सकते हो, टेगलम होता है। अब जैसे मान लीजिए, जो एक बीज ले लीजिए, ऐसे कह लीजिए, एक बीज ले लीजिए, अरहर का ही बीज ले लीजिए या मैंगो सीड का बीज ले लीजिए, मैंगो का बीज ले लीजिए, तो उसमें देखते हैं कि जो बाहर की ओर कवरिंग होती है, जो आवरण पाया जाता है, उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट कहते हैं। उसके अंदर जो कलर और मांसल युक्त जो पार्ट दिखाई देता है, उसको हम सब लोग क्या कहते हैं? इम्ब्रियो कहते हैं। मतलब वो बीज का क्या है? भ्रूण होता है। क्या है? भ्रूण होता है। और ये जो भ्रूण होता है, एक फ्लेसी स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड होता है, मींस बंद होता है, ठीक है। इसका यूज हम सब लोग क्या करते हैं? खाने में यूज करते हैं। और इसी पार्ट्स में क्या होता है? बहुत सारे जो है भोजन संचय होते हैं, ठीक है। अब जो सीड होती है,
कि दो प्रकार के बीज हो सकते हैं, एक मोनोकॉट और दूसरा जो होता है डाइकॉट होता है। क्या होता है? डाइकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है, वन कॉटिलेडंस प्रेजेंट होगा, वन कॉटिलेडंस प्रेजेंट होता है, जबकि डाइकॉट में जो है टू कॉटिलेडंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका उदाहरण है एक बीज पत्री, जैसे वीट, राइस मतलब गेहूं, धान और मक्का, टू कॉटिलेडंस का उदाहरण है। आम, मैंगो, अरहर कह सकते हो, पी है, ग्राउंडनट है। ठीक है, ये सब क्या है, बहुत सारे जो है मोनोकॉट डाइकॉट के एग्जांपल होते हैं, जिनमें वन कॉटिलेडंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक बीजपत्री, और जिसमें दो कॉटिलेडंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट बोलते हैं। जैसे मोनोकॉट में गेहूं है, धान है, मक्का है, जई है, ये सब आ जाएंगे एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री में मैंगो है, पी है, जितनी दालें होंगी सभी किसमें आ जाती हैं, डाइकॉट में आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम सब लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर हम सब लोग पढ़ेंगे। डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड, तो जो डाइकॉट सीड होता है आप जानते हो कि सबसे बाहर, मान लीजिए हमने लिया आम का बीज लिया हूं, तो बाहर की ओर जो है जो सीड होता है उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है। ये क्या हो गया, प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। इसको नाम दिया जाता है बीजावरण, या क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। क्या कहेंगे, सीड कोट कहते हैं। जो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट कहते हैं। ये दो परत होता है, सबसे बाहर का जो परत होता है उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। जो अंदर वाली परत होती है, मींस जो लेयर होती है, उसको नाम दिया जाता है टेगमेन। क्या कहते हैं, टेगमेन। ठीक, अब फिर से देखिए एक बार, जो सीड के चारों जो प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, बीजावरण कहते हैं। अब बीजावरण जो होता है इसके दो परत होती है, सबसे बाहरी वाली परत को हम सब लोग क्या बोलते हैं, चेष्टा कहते हैं, हिंदी भी कह सकते हो बाह्य चोल कह सकते हो, टेगमेन अंदर वाले को क्या कहेंगे, अंतः चोल कहते हैं। बाहर वाली को टेस्टा मीन्स बाह्य चोल, अंदर वाली को टेगमेन या अंतः चोल कहते हैं। ये क्या करती है, बीज को प्रोटेक्ट करती है। और ऐसा कहीं जगह होगा जहां पर बीजावरण जो होता है अब्सेंट होता है, उस को नाम दिया जाता है, पोर होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। ठीक है, इस जगह पर क्या होता है, जो सीड कोट होता है वहां पे अब्सेंट होता है, इसी के द्वारा जो है पानी ऑक्सीजन इंटर करता है। ठीक, इसके बाद में यहां पर आप देखते होंगे उस पे एक सीड कोट, एक धब्बा होता है जिसे, जिसके द्वारा वो फ्रूट से जुड़ा होता है। इस पे ये बीज क्या होता है, फ्रूट से जुड़ा होता है, उस स्थान को हम सबको क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं।
हाइलम वह स्थान है, वह पोजीशन है जहां से बीज फ्रूट से जुड़ा होता है, उसी को क्या नाम दिया जाता है, हाइलम कहते हैं। और एक उसपे ऐसे लाइनिंग होती, बीज आप देखे होंगे, जैसे चना ले लीजिए तो चना पर इस पे ऐसे लाइनिंग होती है, ऐसे ऐसे मान लीजिए चना है तो उसपे क्या होता है, ऐसे एक लाइनिंग होती है ऐसे, उस लाइन को कहा जाता है रेफी। क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। वहां पर एक धब्बा ऐसे गड्ढा टाइप का होता है, उसी पार्ट को हम सब लोग क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। इसी पार्ट से ये जो बीज होता है फ्रूट से लगा होता है, ठीक। अब इसको हम सब लोग बीजावरण को हटा के देखते हैं, तो जब बीजावरण को हम सब लोग हटा देते हैं, मीन्स रिमूव करते हैं, तो इस तरीके से जो है पीले कलर का पार्ट आपको दिखाई देता है। इस पार्ट को नाम दिया जाता है, ये फ्लेसी होता है। कैसा होता है, फ्लेसी मतलब मुलायम होता है। इस फ्लेसी पार्ट को कहते हैं कॉटिलेडॉन्स कहते हैं, कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स में फूड का स्टोरेज होता है, ये इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ये भोजन का संचय करता है। जो कॉटिलेडॉन्स होता है ये भोजन का संचय करता है। दोनों कॉटिलेडॉन्स जहां से जुड़े होते हैं, जिस स्थान से, उसको कहते हैं एम्ब्रियो एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियो एक्सिस नाम दिया जाता है, या एम्ब्रियोनियल एक्सिस कहते हैं, या टेजिलम कहते हैं। टेजिलम या एम्ब्रियो एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं एपिकॉटिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एपिकॉटिल कहते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब जो कॉटिलेडॉन्स के नीचे वाला पार्ट होगा, उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकॉटिल कहते हैं। क्या बोलेंगे, हाइपोकॉटिल कहते हैं। जो कॉटिलेडॉन्स का ऊपरी भाग होगा एपिकॉटिल कहते हैं, निचली वाले भाग को हम सब लोग क्या कहते हैं, हाइपोकॉटिल। कहीं भी अगर एपी सब लगा है तो एपी मतलब होता है अबव, हाइपो मींस लोअर नीचे, ठीक है। तो एपी मतलब कॉटिलेडॉन्स का ऊपरी भाग एपिकॉटिल, निचली भाग हाइपोकॉटिल कह देते हैं, ठीक है। ये जो एपिकॉटिल होता है ये बनाता है प्लीम्यूल। क्या बनाता है, प्लीम्यूल। और जो हाइपोकॉटिल होता है ये बनाता है रेडिकल, ठीक है। और प्लीम्यूल से क्या बनते हैं, सूट सिस्टम बनता है। क्या बनेगा, सूट सिस्टम बनता है। और रेडिकल से क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है। ये हो गया, क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है, क्लियर। अब देखिए, हमने कहा कि इसके अंदर जो है जहां भोजन संचय होता है इस पार्ट में कॉटिलेडॉन्स को, उसको नाम दे देते हैं इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कहते हैं जिसमें भोजन संचय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म कहेंगे। किसी किसी बीज में क्या होता है, इंडोस्पर्म जो होता है अब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर किसी बीज में इंडोस्पर्म अब्सेंट होता है तब ऐसे बीज को हम क्या नाम देते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो देखिए दो तरीके से बीज हो गए आप इंडोस्पर्म के बेसिस पे, एक जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा नॉन इंडोस्पर्मिक कहेंगे, और जिनमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं,
इंडोस्पर्मी बोलते हैं। जैसे बीन है, ग्राम है, पी सीड में इंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, इसी को हम सबको क्या बोलते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक बोलते हैं। जैसे हमने कहा पी है मींस मटर है, चना है मींस ग्राम है, ठीक है, बीन है सेम जिसे कहते हो, इनमें क्या होता है इंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, इसलिए ऐसे बीज को हम सबको क्या कहते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे दो फिगर दिया गया है, ये भी दिया गया है, आप इसको ड्रा कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।